आप सभी। तो आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस मेरा नाम है विनीत और आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। सो गाइस मैं न्यू एडिटिंग ट्यूटोरियल्स लेके आ चुका हूँ। गाइस अगर आपको बर्थडे वाला स्टेटस बनाना है इस तरीके का, तो सबसे पहले क्या करना होगा यार, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी मैं कोई एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो डालूँ इस चैनल पर आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। और गाइस वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जो भी मैं मटेरियल यूज़ करूँगा उनका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो बनाने में कुछ दिक्कत होती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए विदाउट एनी वेस्ट टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस मैं आ चुका हूँ अपने काइन मास्टर में। सो गाइस अगर आपके पास काइन मास्टर नहीं है तो उसका भी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, वरना आप प्ले स्टोर से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस काइन मास्टर ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ गया, जो आपको प्लस वाले पर क्लिक करने के बाद आपको 16:9 का सेलेक्ट कर लेना है। और वे सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, इस मीडिया पे जाना है, और मीडिया पे जाने के बाद आपको बैकग्राउंड पर जाना है और ब्लैक कलर का एक बैकग्राउंड चूज कर लेना है। और वही आपको इस बैकग्राउंड को इतना बड़ा कर लेना है जितना आपको अपना स्टेटस बनाना है। सो गाइस मैं इसको भी इतना बड़ा कर लेता हूँ। सो गाइस अब क्या करना है, इस पर लेयर पर जाना है और टी वाले पर क्लिक करने, यानी कि टेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको किसी का भी नाम लिख लेना है, अपना या किसी का भी। सो गाइस मैं भी अपना नाम लिख लेता हूँ। सो गाइस अपना नाम लिखने के बाद आपको इसकी इसको थोड़ा सा जूम कर लेना है, बड़ा कर लेना है। और गाइस आपको फिर यहाँ पर ए वाले पर इस पर क्लिक करने के बाद इसका फॉन्ट ये वाला करना है। और गाइस अगर आपको ये फॉन्ट डाउनलोड करना है तो गाइस आप यहाँ पर कैट मोर पर जाके आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइस अब आपको इसको थोड़ा सा ऐसे इतना कर लेना है इसकी लेयर को। सो गाइस अब ये जो लेयर है जहाँ पर ख़त्म हो रही है, इस यहाँ से आपको लेयर में जाना है और फिर से टेक्स्ट में जाना है। सो गाइस अब लिख लेना है हैप्पी। सो गाइस फिर से आपको क्या करना है, इसको इस पर इसका फॉन्ट चेंज करना है, और फॉन्ट चेंज करना है ये वाला फॉन्ट लेना है। अगर ये वाला फॉन्ट लेना है तो आप इसको भी यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद इसको भी आपको बढ़ा लेना है। फिर इसकी लेयर पे क्लिक करना है, इसको थोड़ी सी छोटी कर लेना है। तो गाइस जो इसकी लेयर ख़त्म हो रही है आपको फिर से लेयर में जाना है और टेक्स्ट में फिर से जाना है और यहाँ पर लिख देना आपको बर्थडे। तो गाइस जब बर्थडे लिख लिया है वो फिर से बर्थडे वाले पर क्लिक करना है और इसको जूम कर लेना है, और जूम करने के बाद आपको उसकी फॉन्ट पर जाना है और फॉन्ट ये वाला आपको लेना है। तो फिर इसको इसके लेयर वाले पे क्लिक करना है, इसको लेयर को थोड़ा सा छोटा करना है। अब गाइस आपको जहाँ पर ये लेयर ख़त्म हो रही है आपको यहीं लेयर में जाना है और टेक्स्ट में जाके लिख लेना है 2। ठीक है, आपको फिर से इस पर लेयर करना है, उसको बढ़ा लेना है और उसके फॉन्ट चेंज करना है। यही आपको प्रोसेस करना है बार बार, इसकी लेयर पर क्लिक करना, क्लिक करने के बाद आपको इसकी लेयर को थोड़ा छोटा कर लेना है। आपको गाइस जहाँ पर इसकी लेयर ख़त्म हो रही है, यहाँ पर इसकी लेयर ख़त्म हो रही है, गाइस आपको फिर से लेयर में जाना है और भाई टेक्स्ट में जाना है, अब लिख लेना है यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये गाइस अब आपका इसका फॉन्ट चेंज करना है, ये वाला फॉन्ट लेना है और इसको भी जूम कर लेना है। और गाइस अब इसकी इस पर क्लिक करना है, लेयर पर लेयर पर क्लिक करने के बाद आपको इसको इतना करना है जितना हमारा बैकग्राउंड है। सो ये देखिए हम अभी जो है हमारा एक्स्ट्रा बैकग्राउंड है हम उसको थोड़ा सा कट कर लेते हैं। तो गाइस अब क्या करना है, आपको ले जाना है और मीडिया में जाना है। गाइस आपको इफेक्ट वाला वीडियो लेना है। क्या करना है गाइस आपको इसकी लेयर पे क्लिक करना है और साइड में आपको ब्लेंडिंग का ऑप्शन मिलेगा, ब्लेंडिंग पे जाके आपको गाइस मल्टीप्लाई पे कर देना है। सो गाइस ये देखिए हमारा जो स्टेटस है वो बन के रेडी हो चुका है, ये देखिए। सो गाइस अब क्या करना है, अगर आपको इसमें सॉन्ग ऐड करना है तो सॉन्ग ऑडियो का ऑप्शन मिलेगा आपको साइड में इधर, आपको ऑडियो पर क्लिक करने के बाद कोई भी सॉन्ग ऐड कर सकते हैं, कोई भी आपको बर्थडे वाला सॉन्ग, जैसे मुझे ये ऐड करना है
क्योंकि जी देखिए जो बर्थडे वाला सॉन्ग है वो ऐड हो चुका है इसमें। मैं गाइस आपको प्ले नहीं कर सकता यार, क्योंकि मुझे कॉपीराइट मिल सकता है, इसलिए मैं आपको इस सॉन्ग को प्ले नहीं कर सकता। सो गाइस इस तरह से आपको ये प्रोसेस है, बिल्कुल ऐसे ही आपको एडिटिंग में अगर कुछ दिक्कत होती है तो गाइस आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ से रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो में ही टाटा बाय, टेक केयर एंड टाटा बाय। और हाँ गाइस, अगर आपको सेव करना है ना तो भाई शेयर में जाइएगा और एक्सपोर्ट कर लीजिएगा, ये आपकी वीडियो शेयर आपके गैलरी में सेव हो जाएगी, आप इसको कहीं भी शेयर कर सकते हैं, ऑल मीडिया कहीं भी शेयर।